वेलकम टू आवर चैनल स्पार्कल्स कॉलेज एंड दिस इज सदफ मेहर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं और ये किस तरह से काम करती हैं। अभी तक हम ये सीख चुके हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस अपने ऑब्जेक्टिव्स की वजह से डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई होती हैं। इसी तरह नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के भी डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके अकॉर्डिंग वो काम करती हैं। इनके ऑब्जेक्टिव्स देखने से पहले हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन को देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर बेसिकली सेटअप टू मीट पर्टिकुलर नीड्स ऑफ मेम्बर्स और सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी। दे आर एक्चुअली सेटअप फॉर बेनिफिट ऑफ इट्स मेम्बर्स और सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, चैरिटीज, क्लब्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज। अब डेफिनेशन के मुताबिक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस सेटअप की जाती हैं सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी और अपने मेम्बर्स के फ़ायदे के लिए, उनको सर्व करने के लिए। अब अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस इज टू सेटिस्फाई नीड्स ऑफ इट्स मेंबर्स, यानी कि अपने मेंबर्स की नीड्स को पूरा करना और सोसाइटी के और मेंबर्स के वेलफेयर के लिए काम करना, उनको सर्व करना। प्रॉफिटेबिलिटी इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, अनलाइक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस जो सिर्फ अपने ओनर्स की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करती हैं। उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है अपने ओनर्स की वेल्थ को बढ़ाना, जबकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। इंस्टेड, मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड बेनिफिट टू मेम्बर्स और सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी। जैसे मैंने पहले बताया, मेन ऑब्जेक्टिव नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का है अपने मेंबर्स और सोसाइटी के सेक्टर्स को सर्व करना, उनके वेलफेयर के लिए काम करना। फॉर एग्जांपल, हॉस्पिटल्स। अब हॉस्पिटल्स के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू ट्रीट पेशेंट्स, प्रोवाइडिंग गुड हेल्थ ट्रीटमेंट्स टू पेशेंट्स, ट्रीटिंग पेशेंट्स ऑन टाइम। यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव हॉस्पिटल का होगा पेशेंट्स को ट्रीट करना, अच्छा ट्रीटमेंट फराहम करना और टाइम पर पेशेंट्स को ट्रीट करना। ये सब मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हर हॉस्पिटल के हो सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। बिल्कुल इसी तरह गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, दे एग्जिस्ट टू implement government policies for benefit of society such as custom departments, schools. अब government organizations भी not for profit organizations हैं, जैसा कि custom department हैं, schools हैं जिनको government run करती है, इसी तरह charities. A charitable organization may have objectives to provide shelter to homeless children or to provide relief to victims of disaster. The purpose is to work for welfare of society. अभी हमने हॉस्पिटल, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और चैरिटीज़ को देखा। इन सब के ऑब्जेक्टिव्स somehow सेम थे कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए और उनके बेनिफिट के लिए काम करना। कहीं पे भी इनका ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट या वेल्थ नहीं है, इसीलिए इनको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहा जाता है। अब हम आ जाते हैं पब्लिक वर्सेस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस पे। अब हम इनके दरमियान में डिफरेंस देखेंगे। अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिक भी हो सकती हैं और प्राइवेट भी हो सकती हैं। अब पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, ये क्या होती हैं? पब्लिक सेक्टर इज़ पार्ट ऑफ इकॉनमी इंटेंडेड टू प्रोवाइड बेसिक गवर्नमेंट सर्विसेज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि वो हमारी इकोनॉमी का पार्ट हैं और उनका इंटेंशन, उनका ऑब्जेक्टिव है बेसिक गवर्नमेंट सर्विसेज फराहम करना टू द सिटीजन्स, और ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इनको कंट्रोल करती हैं। फॉर एग्जांपल, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस कंट्री टू कंट्री वेरी कर सकती हैं, बट जनरली ये
पुलिस, प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ केयर फॉर पुअर, ये पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब यहाँ पे या ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, मेन ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। अगेन, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस का मेन ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी को सर्व करना और उनके वेलफेयर के लिए काम करना। अब प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, दे आर रन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स, नॉट बाय गवर्नमेंट। अब जाहिर है क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, तो ये या तो इंडिविजुअल्स ओन करते हैं या फिर प्राइवेट ग्रुप्स, ये गवर्नमेंट ओन नहीं करती। प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस ये क्या होती हैं? बिजनेसेस, चैरिटीज, क्लब्स। अब एक बात को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट सीकिंग भी हो सकती है और नॉट फॉर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। जैसा कि आप देखें कि बिजनेसेस ये प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं बिजनेसेस में, चैरिटीज़, क्लब्स ये नॉट फॉर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में प्रॉफिट सीकिंग एंड नॉट फॉर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस दोनों इंक्लूड होती हैं और दोनों काम कर सकती हैं। हमारे आज का लेक्चर बस इधर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। फॉर मोर वीडियो स्टे ट्यून एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।